आज हम सूक्ष्म शिक्षण कार्यशाला के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि शिक्षण क्या है। शिक्षक शिक्षार्थी के आमने सामने की अंतःक्रिया शिक्षण है। खुला आदान प्रदान की प्रक्रिया शिक्षण का भाग है। विद्यार्थियों को निर्धारित उद्देश्यों का ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना शिक्षण त्रि स्तंभीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक छात्र व पाठ्यक्रम। शिक्षण कलात्मक तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रबंधात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवहारगत परिवर्तन एवं अधिगम को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के चर, शिक्षण के मुख्य तीन चर हैं। चर से आशय है कोई भी अनुक्रिया अथवा अभ्यास और व्यवहार जो विभिन्न उपाधि ग्रहण करता है या कर सकता है। इसका पहला चर है निदानात्मक। निदानात्मक से उद्देश्य ये है कि हमें हमारे विद्यार्थियों की किस दक्षता का, किस कौशल का, किस समझ का विकास करना है, उसके संबंध में पहले से ही आलेख, एजेंडा या कार्य योजना, शिक्षक शिक्षा की भाषा में पाठ योजना तैयार करना है। दूसरा चर है उपचारात्मक। उपचारात्मक जब अपन क्लास में विद्यार्थियों के सम्मुख हैं, हम आमने सामने जो है पाठ्य वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु का संप्रेषण कर रहा है और विद्यार्थी अपने प्रश्न पोषण के अनुसार क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तीसरा चर मूल्यांकनात्मक। मूल्यांकनात्मक से मतलब है कि कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा जो अपने पाठ्य वस्तु का शिक्षण किया गया है, अर्थात जिस पाठ्य वस्तु की पढ़ाई करवाई गई है, उसके संबंध में विद्यार्थियों को कितनी समझ आई है, और इसका पता लगाने के लिए प्रश्न पोषण देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है क्वेश्चन के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, वो मूल्यांकनात्मक चर है। शिक्षण कौशल क्या है? भाषा की दृष्टि से देखें तो कुश धातु से कुशलता या दक्षता का निर्माण हुआ है। और शैक्षिक विद्वानों की दृष्टि से यदि बात करते हैं, जैसे गेज ने अपनी बात में लिखा है कि विशिष्ट प्रक्रियाओं जिसमें शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण में प्रयोग किया जाता है, या शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होकर संवाद किया जाता है, या शिक्षण क्रियाओं अथवा उन व्यवहारों के संपादन से जो छात्रों को सिखाने के लिए सुगमता अर्थात फैसिलिटी, सहजता प्रदान की जाती है, इन सब को हम कौशल की संज्ञा दे सकते हैं। शिक्षण कौशलों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के कारण ही शिक्षक अपने शिक्षण कौशल की प्रभावशीलता विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क पर, उनकी सूझ पर छोड़ सकता है। इसमें पहली विशेषता है शिक्षण शिक्षार्थी एवं व्यवहारों से संबंधित होता है। अर्थात शिक्षण कौशलों की विशेषताओं में शिक्षण जो है वो जो शिक्षण क्रियाएं हैं और जो शिक्षण व्यवहार है उससे उसका सीधा सीधा संबंध होता है। दूसरी विशेषता है छात्रों को सीखने में सहायता एवं सरलता
प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता की बात करेंगे, कक्षा शिक्षण व्यवहार की ये एक इकाई है। आगे विशेषता है अंतःक्रिया परिस्थिति उत्पन्न करने की सहायक प्रक्रिया है। इसकी आगे विशिष्ट विशेषता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ये सहायक है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल, शिक्षाविदों द्वारा लगभग 22 शिक्षण कौशलों की दक्षता शिक्षक के प्रशिक्षण के संबंध में उनमें विकसित करने, उनके व्यवहार में लाने के लिए बताया है। परंतु व्यवहार में सामान्य तौर पे 12 से 13 कौशलों शिक्षण कौशलों का अधिक प्रयोग जो है हर एक तरह की शिक्षण व्यवस्था में होता है। यदि हम इनकी संख्या को देखें तो जो प्रमुख रूप से जो विभिन्न कौशल हैं, पहला है प्रस्तावना है, श्यामपट कौशल है, प्रश्न कौशल है, खोजबीन प्रश्न कौशल है, दृष्टांत कौशल है, उद्दीपन कौशल है, मौन कौशल है, तथा अशाब्दिक मौन तथा शाब्दिक कौशल है, अंत्यक्रिया है, पुनर्वदन है, कक्षा प्रबंधन है, छात्र सहभागिता है, प्रेरणा कौशल है, पुनरावृत्ति कौशल है, उद्दीपन भिन्नता है कौशल है, अभ्यास कौशल है, पाठ सारांश कौशल इत्यादि। इनकी विभिन्न कौशलों की जो व्याख्या विद्वानों द्वारा की गई है उसमें प्रस्तावना कौशल अर्थात विन्यास प्रेरणा, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, इसके माध्यम से शिक्षक जब अपने विषय का शिक्षण चालू करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, पढ़ाई कराना चाहता है, उसमें अपने विषय की पाठ्य वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कौशल का उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन भिन्नता कौशल है। इसमें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को मानसिक रूप से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और पाठ्य वस्तु से उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए उसके सामने जो है विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों की प्रस्तुति गतिविधियों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से की जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो समीपता का है, क्लोजर। विद्यार्थी और शिक्षक आमने सामने हैं लेकिन भाव की दृष्टि से, संवेग की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से दोनों में समीपता होना अनिवार्य है। अन्यथा समीपता नहीं रहती है तो विद्यार्थी जो पाठ्य वस्तु का शिक्षण कर रहा है उसकी ग्रहणता की कोई गारंटी नहीं रहती। मौन और अशाब्दिक कौशल, साइलेंस एंड नॉन वर्बल। अब इस कौशल में विद्यार्थियों की इच्छा शक्ति, विद्यार्थियों की अंतर ध्यान, विद्यार्थियों का जो है सहनशीलता और जो आत्म मनन चिंतन, इस दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है रीइन्फोर्समेंट, पुनर्वदन कौशल। इस कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों को जो है अपने पाठ्य वस्तु से संबंधित, परिवेश से संबंधित, अपनी सज्जता बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज क्रिएट करने के लिए कुछ रीइन्फोर्समेंट, पुनर्वदन दिया जाता है, जिससे वो प्रेरणा ले, जिससे वो मोटिवेट हो। खोज पर पूर्ण प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चन की बात है, विद्यार्थी की तार्किक शक्ति बढ़ाने के लिए, विद्यार्थी की जो मस्तिष्क में चिंतन बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन का उपयोग किया जाता है। कक्षा व्यवस्था, क्लास मैनेजमेंट,
चूंकि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्षों के आधार पर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवस्था, बैठक व्यवस्था की बात है, उसके साथ साथ जो है विद्यार्थी जो है वो अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको अलर्ट करें, ये सब इस कक्षा क्लासरूम मैनेजमेंट के माध्यम से ये स्थापित हो सकता है। ये सभी जगहों पे सभी विद्यालयों में शिक्षक इसका अभ्यास करता है। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और वो विजुअल एड की बात है। ये कहावत है कि यदि किसी चीज़ को एक बार दिखाया जाए उसके बारे में समझ हो सकती है, किसी चीज़ को जो है 100 बार बताया जाए एक बार दिखाया जाए वो एक उसकी एक समान है। दृश्य श्रव्य संसाधनों के माध्यम से पोस्टर है, वस्तुएँ हैं, चार्ट है, मॉडल है, इनके माध्यम से वो कोई वीडियो क्लिप है, इनके माध्यम से शिक्षण को कराया जाता है तो उसमें उसकी सारगर्भता, उसकी जो है सूझ जो है विद्यार्थी की ज़्यादा बढ़ती है। छात्र व्यवहार का अभिज्ञान रिकॉग्नाइजेशनिंग की बात की जाती है कि जो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान के साथ कैसे एसोसिएट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए ताकि उसकी जो लर्निंग अधिगम है, अधिगम की जो दक्षता है वो बढ़े। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन का कौशल, अनुदेशनात्मक लेखन से तात्पर्य ये है कि जिस विषय का जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, उस पाठ्य वस्तु के संबंध में उसकी एक आधार रूपरेखा, एक उसका टेंटेटिव प्लान वो तैयार करवाया जाता है और ये भी एक दक्षता है कि वो उसको अपना लिपिबद्ध कर सके। गृह कार्य को देने का कौशल, होमवर्क जो असाइनमेंट है वो भी अपने आप में एक कौशल है कि बच्चों की सामर्थ्य के हिसाब से, बच्चों की क्षमता के हिसाब से, बच्चों के लर्निंग अधिगम स्थितियों के हिसाब से, बच्चों की जो जो उसको डिलीवर किया गया है, जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई गई है उसके हिसाब से मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वो किस तरह से सारगर्भित जो है गृह कार्य अपना करके लाए, वो उसके लिए भी एक दक्षता है जो टीचर को इसका ध्यान रखना है। छात्रों को साथ लेकर चलने का कौशल है, स्किल फॉर पेसिंग, कक्षा एक पक्ष नहीं होना चाहिए, शिक्षण जो है वन वे नहीं होना चाहिए, टू वे सिस्टम होना चाहिए और इसके लिए जो है विद्यार्थियों की सतत भागीदारी क्लास में शिक्षण के दौरान रहनी चाहिए। उच्च स्तरीय प्रश्न उपयोग कौशल, हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, बच्चों की अवस्था और बच्चों की अनुभव, बच्चों के जो मेच्योरिटी है उसके हिसाब से हमें जो है उच्च स्तरीय प्रश्न उपयोग करने चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की स्थिति चेंज होती है, कंटेंट चेंज होता है, क्लास प्रमोट होती है, उसी हायर ऑर्डर से हमें क्वेश्चनिंग करना चाहिए ताकि उसकी सृजनशीलता, उसका जिज्ञासा का ज़्यादा विकास हो सके। लेक्चरिंग स्किल है, व्याख्यान कौशल है, हम किस पाठ्य वस्तु को किस तरह से व्याख्यित कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, वो उसका किस तरह से जो है एक जो मेन जिस्ट है वो कैसे उसको विद्यार्थियों को डिलीवर कर सकते हैं, ये भी एक शिक्षकों के लिए जो है बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। आगे है नियोजित पुनरावृत्ति की बात है, प्लान रिप्रेशन की बात है, इसमें प्लान करके नियोजित करके विद्यार्थियों को जो कुछ बताया जा चुका है उसके पक्षों की भावी जो हम उनसे सोच चाहते हैं उसके प्रति जो आंतरिक उसकी सहजता चाहते हैं ये उसका विकास करना है। संप्रेषण की पूर्णता का कौशल है, संप्रेषण जो है वो बहुत उपयोगी है शिक्षण में और इसके अलावा जो है एक कौशल और है जिसमें श्यामपट कौशल की बात है जो ऊपर कही गई थी, ये बहुत उपयोगी है कि विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान शिक्षक के साथ साथ क्लासरूम में श्यामपट का उपयोग कैसे करना है, कैसे जो है श्यामपट के उपयोग से उनकी शंकाओं का, उनकी जो कठिनाई स्तर के जो पाठ्य वस्तु के बिंदु हैं उसका विकास करना है, ये हम इन सारे कौशलों के माध्यम से जो है हम एक जो है समस्त शिक्षक तैयार हो सकते हैं। धन्यवाद।